हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए स्टूडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज वेडनेसडे वीकली एक्सपायरी के दिन का मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिसको अपन डेली और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस, और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी अपना बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और आज एक हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। अपन को फर्स्ट आवर रेंज अपन को बनती हुई देखने को मिली थी। अगर अपन फर्स्ट आवर रेंज मार्क कर ले तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि इस रेंज के अंदर ही हमें वापस से अंदर मोमेंटम में ट्रेड होते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी। ना ही हमें अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिला है 1 आवर रेंज का, ना ही हमें डाउन साइड का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और इस रेंज में होने के कारण अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके देखने को मिला है, जिसकी वजह से अपन को आज की जो वीकली एक्सपायरी थी वो सिर्फ हमें साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिली, और सिर्फ हमें ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी देखने को मिली है, और लास्ट में हमें क्लोजिंग देखने को मिला 47,113 के लेवल के आसपास की। तो ये था बैंक निफ्टी का वेडनेसडे के दिन का मोमेंटम के एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। दोस्तों, अपन आगे वन डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि एक हमें बहुत अच्छा एक रिजेक्शन कैंडल नीचे से बनती देखने को मिली, और इस लेवल पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिला है। अपसाइड का मोमेंट अपन को तभी क्लियर कट देखने को मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर अपन को सस्टेन होते देखने को मिलेगा, जो कि 47,588 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये लेवल, जो कि 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। डाउन साइड की अगर बात करें तो जब तक इसके नीचे सस्टेन होते नहीं देखने को मिलेगा, जो कि 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, तभी हमें नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, जिसमें कि जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधे 45,640 तक का। तो ये था बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंटम और कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे कल थर्सडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मोमेंट अपन को कहां देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि 47,200 का लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 47,312 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो जो अपना सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, जो कि 47,450 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, जो कि 47,588 का, और अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करता है और ऑल टाइम हाई की तरफ अपन को ट्रेड होते देखने को मिलता है बैंक निफ्टी, तो अपना जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 47,750 के आसपास का लेवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 47,200 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, तो चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि 46,886 का लेवल, तो इसके नीचे हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये लेवल, जो कि 46,740 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, जो कि 46,640 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी आता है तो जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, जो कि 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में। अगर 46,886 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि अराउंड 47,200 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 46,886 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेल लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को ट्रेल लाइन बनती हुई देखने को मिली, अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेल लाइन बनाए और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो एक बहुत अच्छी ट्रेल लाइन अपन को डाउन साइड के लिए बनती हुई देखने को मिल रही है, और अगर अपसाइड से भी एक अपन ट्रेल लाइन मार्क करें तो अगर इस पॉइंट से ट्रेल लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो एक बहुत अच्छी ट्रेल लाइन अपसाइड में भी अपन को बनती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी बैंक निफ्टी ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट करे, उस तरफ एक अपन को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेल लाइंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेल लाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।